स्टूडेंट्स, दिस इज हेमलता मैम फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर दैट इज द लेटर ए रिटन बाय क्रिस्टी ब्राउन. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 68. आई डू नॉट नो व्हाई आई यूज्ड माय लेफ्ट फुट टू डू दिस. इट इज अ पजल टू मैनी पीपल as well as to myself, for although I had displayed a curious interest in my toes at an early age, I had never attempted before this to use either of my feet in any way. तो जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि उसने क्या किया था कि अपनी सिस्टर के हाथ से वो जो येलो कलर का चौक था वो उसने छीन लिया था. तो आगे वो कहता है कि यहाँ पे कहता है कि आई डू नॉट नो वाई आई यूज माई लेफ्ट फुट टू डू दिस. कहते हैं मैं नहीं जानता कि मैंने अपना जो लेफ्ट फुट है तो वो मैंने क्यों यूज़ किया था, कि इस चौक को स्नैच करने के लिए मैंने अपना लेफ्ट फुट ही यूज़ किया था, तो वो किस रीज़न से यूज़ किया था. कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता था. कहता है इट इज़ अ पजल टू मैनी पीपल्स एज वेल एज टू माई सेल्फ फॉर ऑल दो आई हैड डिस्प्लेड अ करियस इंटरेस्ट इन माई टोज एट एन अर्ली एज. कहता है कि ये मुझे नहीं पता ना ही दूसरों को पता, जो सारे पजल में थे कि मैंने जो अपना जो फुट है वो ही मैंने यूज़ क्यों किया, बाकी मैंने क्यों दूसरे मतलब जो दूसरे मेरे जो बॉडी पार्ट्स थे वो मैंने क्यों यूज़ नहीं किए. तो कहता है ये किस रीज़न से किए. कहता है ये मुझे भी नहीं पता, पर वो जो भी अगर मुझे कुछ होता था, कोई इंटरेस्ट होता था किसी भी चीज़ में, तो वो मैं उसी से कुछ करने की कोशिश करता था. I had never attempted before this to use either of my feet in any way. कहता मैंने पहले कभी भी कोई ऐसा अटैम्प्ट नहीं किया था कि इस तरह से मैं इस पैर के साथ कोई इस तरह से एक्टिविटी कोई करूँ. They could have been as useless to me as were my hands. कहता ये मेरे लिए मेरे जो पैर थे वो मेरे लिए ऐसे ही यूजलेस थे जैसे ही उसके हाथ यूजलेस थे ना, कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था. तो हर टाइम उसके हाथ क्या रहते थे, ऐसे क्लेंच रहते थे, सिकड़े हुए रहते थे, मतलब इकट्ठे हो जाने थे. कहते इस तरह से रहते थे वो, उसके जो पैर थे वो भी वैसे ही रहते थे. कहते ये मुझे नहीं पता चला कि इस टाइम मैंने ऐसा क्यों किया है. दैट डे हाउएवर माई लेफ्ट फुट अपार्टमेंटली बाई इट्स ऑन वॉल्यूशन रीच्ड आउट एंड वेरी इम्प्लॉयडली टुक द चॉक आउट ऑफ माई सिस्टर्स हैंड. कहते मैंने ये मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों ऐसा काम कर दिया कि मैंने इम्पोलाइटली, कि मतलब जैसे होता है कि ज़बरदस्ती किसी से छीनना, कोई पोलाइटली नहीं. कहते मैंने इनपोलाइटली अपनी सिस्टर के हैंड से वो जो चौक का पीस था वो मैंने छीन लिया. तो कहते मुझे इस रीज़न का नहीं पता कि मैंने क्यों अपना लेफ्ट फुट ही यूज़ किया था, मैंने अपने जो हैंड थे वो यूज़ नहीं किए. कहते ये चीज़ मुझे नहीं पता. आई हेल्ड इट टाइटली बिटवीन माई टोज एंड एक्टिंग ऑन अ इम्पल्स मेड अ वाइल्ड सॉर्ट ऑफ स्क्रैबर विथ इट ऑन द स्लेट. कहता है मैंने उसको टाइटली अपने टोज में पकड़ लिया और मैं उसके ऊपर एक वाइल्ड सॉर्ट, मतलब एक अलग तरह की अजीब जो पिक्चर्स होती हैं वो स्लेट के ऊपर मैंने बनाना स्टार्ट कर दी. नेक्स्ट मोमेंट आई स्टॉप्ड अ विट डैश्ड सरप्राइजिंग लुकिंग डाउन एट द स्टिक ऑफ येलो चौक स्टक बिटवीन माई टोज नॉट नोइंग वट टू डू विद इट नेक्स्ट हार्डली नोइंग हाउ इट गॉट देयर. कहते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट जब आया तो मैं क्या हो गया, मैं स्टॉप्ड हो गया और मैं उसको देखने स्टार्ट हो गया, सरप्राइज हो गया मैं काफ़ी ज़्यादा कि जो मैंने चौक का पीस लिया है तो इसके आगे अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है. कहते हैं मैंने वहाँ पे ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया उस स्लेट के ऊपर, जिस स्लेट के ऊपर उसकी सिस्टर जो थी वो बना रही थी. कहते मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया बट थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पे रुक गया और मुझे नहीं पता चल रहा था कि आगे मैंने क्या करना है. देन आई लुक्ड अप एंड बिकेम अवेयर दैट एवरीवन हैड स्टॉप टॉकिंग एंड वॉज स्टेयरिंग एट मी साइलेंटली. कहते उसके बाद मैंने देखा कि हर कोई जो उसके पास उसके सिस्टर्स बैठी हुई थी, उसके जो ब्रदर्स बैठे हुए थे, उसके फादर्स, कहते हर कोई उसकी तरफ देख रहा था कि बड़े ऐसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे, स्टेयरिंग को तो घूर के देखना कि उसकी तरफ घूर के देख रहे थे और कोई भी आपस में बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप उसको देख रहे थे. नोबडी स्टेयर मोना हर ब्लैक कर्ल्स फ्रेमिंग हर चौबीस लिटिल फेस स्टेयर्ड एट मी विद ग्रेट बिग एंड ओपन आइज एंड ओपन माउथ. कहते मेरी जो सिस्टर मोना थी वो भी उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे तो वो बिल्कुल आंखें खोल के मुंह खोल के तो कहते वो मेरी तरफ देख रही थी, बड़ी गौर से देख रही थी मुझे कि मैंने ये जो चौक पकड़ा है, जब मैंने जो एक्टिविटी की है वो मैंने कैसे कर दी. अक्रॉस द ओपन हार्ट
His face lit by flames set my father leaning forwards, hands outspread on his knees, his shoulder tense. I felt the sweat break out on my forehead. तो कहते हैं कि उसी टाइम मेरे जो फादर थे वो भी पास में थे, उनको देख के भी इतना शौक हुआ कि वो बिल्कुल ऐसे नीचे ही थोड़े से झुक गए. तो उन्होंने क्या किया कि अपने नीज के ऊपर जो थे हाथ उन्होंने रख दिए. तो उनको ऐसे टेंशन जैसे होती नहीं किसी चीज़ की, मतलब ये क्या हुआ है, कैसे इसने किया है, तो इस तरह से उनको हो रहा था. कहते माई मदर केम इन फ्रॉम द पेंट्री विद अ स्टीमिंग पॉट इन हर हैंड. कहते मेरी मदर जो थी वो किचन से बाहर आई, उसके हाथ में एक पॉट था, स्टीमिंग पॉट जो था उसके हाथ में था. शी स्टॉप्ड मिड वे बिटवीन द टेबल एंड द फायर फीलिंग द टेंशन फ्लोइंग थ्रू द रूम. कहते मेरी मदर जब वहाँ से आई तो वो स्टॉप हो गई, वहीं पे जहाँ से मतलब वो निकली तो थोड़ी सी आगे तो टेबल और फायर के बीच में वो खड़ी हो गई और वो देखना स्टार्ट हो गई. शी फॉलोड देयर स्टेयर एंड सॉ मी इन द कॉर्नर. हर आईज लुक्ड फ्रॉम माई फेस डाउन टू माई फुट. कहते वो मेरी मदर वहाँ पे खड़ी होकर एक कॉर्नर में मुझे देख रही थी और उसकी आंखें जो थी वो मुझे देख रही थी, मेरे पैरों को देख रही थी. विद द चॉक रिप्ड बिटवीन माई टोज शी पुट डाउन द पॉट. कहती जब उसने मेरे फेस की तरफ देख रही थी, कभी वो मेरे पैरों की तरफ देख रही थी कि जिसमें मैंने चॉक पकड़ा हुआ था. कहते ये चीज़ें जब वो देख रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी, उसने जो पॉट पकड़ा हुआ था, जो उसने बर्तन पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया. देन शी क्रॉस्ड ओवर टू मी एंड नेल्ट डाउन बिसाइड मी एज शी हैड डन many times before. I'll show you what to do with it, Chris, she said very slowly and in a queer choked way. Her face flushed as if with some inner excitement. कहते मेरी मदर वहाँ पे आई, मेरे पास आकर वो खड़ी हो गई. तो उसने क्या किया कि जैसे वो कोशिश करती थी मुझे करवाने के लिए, तो अब उसने मुझे क्या कहा, कहते कि आई शो यू व्हाट टू डू विद इट. कहते कि मेरी मदर ने मुझे कहा कि क्रिस मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसके आगे क्या करना है. क्योंकि उसने क्या किया था, उसने चौक का पीस अपने सिस्टर के हाथ से छीन तो लिया था अपने पैरों से, लेकिन उसने क्या किया होता, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई उसने, मतलब जैसे भी वो उसको यूज़ कर सकता था वैसे उसने यूज़ किया, जैसे भी उसने लाइन डाली जो भी उसने किया तो उसने यूज़ किया. कहते मेरी मदर ने फिर उसको कहा कि उसके बाद वो स्टॉप हो गया था. कहते मेरी मदर ने मुझे कहा कि इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी. और बहुत ज़्यादा जो मेरी मदर थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी उसको कि जो मेरा बेटा है वो क्या कर रहा है कि उसने चौक जो है वो पकड़ा है. आई शो यू वट टू डू विद इट क्रिस, शी सेड वेरी स्लोली एंड इन अ क्वेल चॉक्ड वे. हर फेस फ्लश्ड एज इफ विद सम इनर एक्साइटमेंट. तो वही जो एक्साइटमेंट उसको हुई थी. Taking another piece of chalk from Mona, she hesitated, then very deliberately drew on the floor in front of me the single letter A. कहते अब मेरी मदर जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कहा था कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इस चौक का क्या करना है. क्योंकि वो तो रुक गया था, उसने लाइन्स जो ड्रा की, जो भी उसने ड्रा किया ऐसे ही, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो भी उसने ड्रा किया वहाँ पर वो रुक जाता है. फिर उसकी मदर उसको कहती मैं आप तुम्हें बताऊँगी कि इसके आगे क्या करना है. तो कहती मेरी मदर ने मेरी सिस्टर के हाथ से चौक लिया, दूसरा पीस लिया, उसने वहाँ पे क्या किया, एक जो लेटर था ए लेटर जो होता है सिंगल लेटर ए, तो कहते ए उसको वहाँ पे ड्रॉ करके दिया. कॉपी दैट शी सेड लुकिंग स्टेडली एट मी. कॉपी इट क्रिस्टी, कहते मेरी मदर ने मुझे क्या कहा कि कॉपी दैट, इसको कॉपी करो. जो उसने ए लेटर उन्होंने फर्श के ऊपर लिखा, फर्श के ऊपर उसकी मदर ने उसको ए लेटर लिख के दिया था उसके सामने. तो कहते उसकी मदर ने उसको कहा था, कहते इसको आप कॉपी करो. तो उसकी मदर उसको बार बार कहते इसको कॉपी करो क्रिस्टी. I could not. I looked about me, looked around at the faces that were turned toward me, tense, excited faces that were at the moment frozen, immobile, eager, waiting for a miracle in their midst. वो कहता है कि हर कोई मेरी तरफ देख रहा था. जैसे मैं उसकी मदर ने उसको लेटर ए डालने के लिए कहा, लेकिन वो कहता मैं नहीं डाल सकता था उसको. आई कुड नॉट, कहता आई लुकड अबाउट मी, कहता मैं अपनी तरफ भी देख रहा था कि मैं मतलब इसको कैसे देखूँ. और हर कोई जो है मेरी तरफ देख रहा था कि शायद कोई ऐसा मतलब मिरेकल हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि इसकी वजह से ये जो लेटर है इसको ड्रॉ कर दे. द स्टिलनेस वॉज परफॉर्म, द रूम वॉज फुल ऑफ फ्लेम एंड शेडो डैट डांस बिफोर माई आईज एंड ब्लर्ड माई टॉन्ट नर्व्स इन टू अ सॉर्ट ऑफ वेकिंग स्लीप. आई कुड हियर द साउंड ऑफ द वाटर स्टैप ड्रिपिंग इन द पेंट्री, the loud tickling of the clocks on the metal shelf
एंड द सॉफ्ट हिस एंड द क्रैकल्स ऑफ द लॉग्स ऑन द ओपन हर्थ। वो कहता है मैं अब क्या कर रहा था, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था, मैं अब हर चीज़ को सुन रहा था, जो जो उसके सामने हो रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी उसके सामने, कहता है मैं उन सारी चीज़ों को सुन रहा था, चाहे वो जो पेंट्री से मतलब टैप से जो पानी निकल रहा था, चाहे वो बाहर की जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, कहते मैं हर एक चीज़ को महसूस कर रहा था। आई ट्राइड अगेन, आई पुट आउट माई फुट एंड मेड अ वाइल्ड जैकलिंग स्टैप विद द चॉक विच प्रोड्यूस्ड अ वेरी क्रूक्ड लाइन एंड नथिंग मोर। मदर हैल्ड द स्लेट स्टेडी फॉर मी, कहता आई ट्राइड, उसकी मदर ने उसको लेटर ए लिख के दिए थे, वो कहती थी इसको कॉपी करो, तो कहते हैं मैंने ये ट्राई किया, आई ट्राइड अगेन, मैंने उसको डालने की कोशिश की उस लेटर को, कहता आई पुट आउट माई फुट एंड मेड अ वाइल्ड जैकलिंग, कहता मैंने क्या किया, मैंने वो जो चॉक था मैंने वो लिया, अपना पैर आगे किया, तो कहते हैं उसके साथ मैंने क्या किया कि ऐसे ही जैसे होते हैं ना कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स जो होती हैं, कहते मैं वो ड्रा करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मदर हैल्ड स्लेट स्ट्रेटली फॉर मी, कहते मदर जी ने जो मेरी स्लेट थी उसको मेरे लिए सीधा किया, सीधा करके कि रखा इसके ऊपर ड्रा करो। ट्राई अगेन क्रिस, शी विस्पर्ड इन माई ईयर अगेन, कहता मेरी मदर ने फिर से मेरे कानों में कहा, कहते कि इसको फिर से ट्राई करो, जो आप लिख रहे हो इसको ट्राई करो फिर से। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो ट्राई कैसे कर रहा था, वो एक टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन्स थी वो डाल रहा था। आई डिड, आई स्टिफन माई बॉडी एंड पुट माई लेफ्ट फुट आउट अगेन फॉर द थर्ड टाइम। आई ड्रू वन साइड ऑफ द लेटर, आई ड्रू हाफ द अदर साइड, देन द स्टिक ऑफ द चॉक ब्रोक एंड आई वॉज लेफ्ट विद अ स्टम्प। आई वॉन्टेड टू फ्लिंग इट अवे एंड गिव अप, देन आई फेल्ट माई मदर्स हैंड्स ऑन माई शोल्डर, आई ट्राइड वंस मोर, आउट वेंट माई फुट, आई शुक, आई स्वेटेड, आई स्ट्रेन माई एवरी मसल्स, माई हैंड्स वर सो टाइटली क्लेंच्ड दैट माई फिंगर नेल्स बिट इन टू द फ्लैश, आई सेट माई टीथ सो हॉट डैट आई नियरली पार्ट्स माई लोअर लिप्स। वगैरह कहता है कि आई डिड, कहते मैंने कोशिश की, आई स्टिफन माई बॉडी एंड पुट माई लेफ्ट फुट आउट अगेन, कहते फॉर द थर्ड टाइम, कि मैंने फिर से थर्ड टाइम उस लेटर को डालने की कोशिश की, कहते आई ड्रू वन साइड ऑफ द लेटर, अब उसने क्या किया था, एक साइड जो थी लेटर की उसको ड्रू करने की कोशिश की, उसको लिखने की कोशिश की उसने, द आई ड्रू हाफ द अदर साइड, कहता है कि मैंने जो दूसरी साइड थी, जैसे एक जब डालते हैं हम एक लाइन डालते हैं तो दूसरी भी डालते हैं हम, कहते मैंने एक लाइन तो डाली जैसे भी डाली हो तो दूसरी जो थी वो मैंने हाफ डाल दी। द देन द स्टिक ऑफ द चॉक ब्रोक, कहता है उसके बाद जो स्टिक थी वो क्या हो गई, वो टूट गई, एंड आई वॉज लेफ्ट विद अ क्लम्प, और ये था उसको कि अब मैं इसको छोड़ दूँ, कहता आई वॉन्टेड टू फ्लिंग इट अवे एंड गिव अप, कहता अब मैं उस चॉक को छोड़ना चाहता था, अब मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता था, कहता देन आई फेल्ट माई मदर्स हैंड ऑन माई शोल्डर, कहता उसी टाइम मेरी जो मदर थी उसने क्या किया कि मेरे शोल्डर के ऊपर अपने हाथ रख दिए। आई ट्राइड वंस मोर, आउट वेंट माई फुट, आई शुक, आई स्वेटेड एंड ट्रेड एवरी मसल्स, कहते जैसे मैं उसकी मदर ने क्या किया, वो उसका मन नहीं कर रहा था लिखने का क्योंकि उसे लिखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसकी मदर ने उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा, उसको फिर से करने के लिए कहा कि फिर से कोशिश करो, कहते जब उसने उसकी मदर ने हाथ रखा, मेरी मदर ने मेरे शोल्डर के ऊपर हाथ रखा, तो फिर से मैंने ट्राई किया उस लेटर को लिखने की कोशिश की, कहता मैंने जो मेरी मसल्स थी ठीक है उसको मैंने स्ट्रेन किया, हर एक मसल को पसीना उसको आ रहा था, उसने उसके जो हाथ थे बिल्कुल टाइट उसने कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया था कि उसके जो लिप्स थे लोअर लिप्स जो था उसके ऊपर भी उसने टाइट किए तो उसको भी वहाँ पे भी लग गई। वो कहता कि आई सेट माई टीथ सो हार्ड आई नियरली पास माई लोअर लिप की, उसके जो लिप्स थे वहाँ से मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। द एवरीथिंग इन द रूम्स वन टिल दैट फेसेस अराउंड मी वर मेयर पैचेस ऑफ वाइट वट आई ड्रू इट द लेटर ए देन इट वॉज ऑन द फ्लोर बिफोर मी, कहता है कि मैंने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से वो जो लेटर था लेटर ए मैंने क्या कर दिया ड्रू कर दिया, मतलब मैंने ड्रा कर दिया वो जो लेटर ए था, उसने बड़ी कोशिश की अपने आप को बड़ा ज़्यादा मतलब संभाला और उसके बाद उसने लेटर जो था उसको ड्रा कर ही दिया, जो फ्लोर के ऊपर उसके सामने लिखा हुआ था ना उसकी मदर ने कि इसको कॉपी करो, तो उसने उस लेटर को कॉपी कर दिया। शेकी विद ऑकवर्ड वॉबली साइड्स एंड अ वेरी अनइवन सेंटर लाइन What it was the letter A. I looked up, I saw my mother's face for a moment, tears on her cheeks, then my father swooped and hoisted me into his shoulder. कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लेटर मैंने ड्रा तो कर दिया वहाँ पे, कहते हैं मैंने ड्रा कर दिया वो लेटर, लेकिन लेटर की जो बीच की सेंटर की लाइन होती है जब हम ए डालते हैं तो बीच में जो सेंटर की लाइन होती है, कहते वो जो लाइन थी वो अनइवन थी, मतलब सही नहीं थी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन उसने डाल दी, लेकिन कहते फिर भी वो क्या बन गया था, ए लेटर जो था वो बन गया था।
आई सॉ माई मदर्स फेस, कहता मैंने अपनी मदर का फेस जो था उसको देखा, तो कहते मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। देन माई फादर स्वूप्ड एंड होस्टेड मी इन टू हिज शोल्डर, कहते उसके बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे उठा लिया, तो सारे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आई हैड डन इट, कहता मैंने इसको डन कर दिया, मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया। इट हैड स्टार्टड, कहता मैंने स्टार्टड कर दिया। द थिंग्स डैट वॉज टू गिव माई माइंड एंड अ चांस टू एक्सप्रेस इट सेल्फ ट्रू, आई कुड नॉट स्पीक विद माई लिप्स बट नाउ आई वुड स्पीक थ्रू समथिंग मोर लास्टिंग देन स्पोकन वर्ड्स रिटन वर्ड्स, कहता कि अब मैं अपने, मुझे ये चांस मिल गया, एक रास्ता होता है ना उसको मिल गया लिखने का, कि अपने जो उसके वर्ड्स उनको एक्सप्रेस करने के, कहते मैं मुँह से तो नहीं बोल सकता था लेकिन मैं लिख के अपने जो वर्ड्स थे जो भी मैं कहना चाहता था उस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकता था। दैट वन लेटर स्क्वाल्स ऑन द फ्लोर विद अ ब्रोकन बिट ऑफ द येलो चॉक ग्रिप्ड बिटवीन माई टोज एंड माई रोड टू अ न्यू वर्ल्ड माई की टू मेंटल फ्रीडम, कहता वो जो चौक का पीस था ठीक है, और एक लेटर जो मैंने लिखा था लेटर ए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो कहता यही जो एक चीज़ थी तो उस चौक ने मेरी ज़िंदगी जो थी वो पूरी की पूरी चेंज कर दी। अब मेरी ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिल गया था कि अब मुझे ये पता था कि अब मैंने क्या करना है आगे। कहता एक कहते ना की मिल जाती है किसी इंसान को, कहते इस तरह से मुझे वो मिल गई थी। कहते इट वॉज टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ टेंस टॉन थिन दैट वॉज आई विच वेंटेड फॉर एक्सप्रेशन बिहाइंड अ ट्विस्टेड माउथ, कहता अब मैं क्या कर सकता था कि अब मुझे एक रिलैक्सेशन मिल गई और जो भी मैं एक्सप्रेशन कर सकता मतलब करना चाहता था, जो भी मैं कहना चाहता था एक ट्विस्टेड माउथ से, वो अब मैं कह सकता था। किसके थ्रू वो कह सकता था? वो कह सकता था कि जो वो राइट करता था ठीक है, लिखता था, तो वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता था। यहाँ से उसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी लिखने की, उसकी जो मदर थी उसने उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इवन कि सभी डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया था, सभी रिलेटिव्स ने भी बोल दिया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये इडियट है, ये इम्बेसाइल है, बट उसकी मदर जो थी वो कहती नहीं, मेरा बेटा जो है वो इडियट नहीं है। उसकी मदर के फेथ की वजह से और उसके अपने एफर्ट्स की वजह से उसने क्या किया था कि वो कुछ भी नहीं बोल सकता था, कुछ भी नहीं लिख सकता था, बट उसने लिखना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा वो आगे पहुँचा था। सो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।